ओम शांति। 14 नवंबर 2020 के बाबा के साकार महावाक्य, आज की मुरली के 7 विशेष पॉइंट्स। दीपक राज बाप ने समझाया है, ज्ञान का तीसरा नेत्र खुलना चाहिए तो घर घर में सोच रहा हो, अभी तो घर घर में अंधियारा ही है, ये सब बाहर का प्रकाश है। तुम अपनी ज्योति जगाने बिल्कुल शांत में बैठते हो। बच्चे जानते हैं स्वधर्म में रहने से पाप कट जाते हैं, जन्म जन्मांतर के पाप इस याद की यात्रा से ही कटते हैं। आत्मा की ज्योत बुझ गई है ना, शक्ति का पेट्रोल सारा खत्म हो गया है। दूसरा पॉइंट, निराकार बाप समझाते हैं, अब शिव बाबा तो है निराकार सुप्रीम सोल, उस आत्मा पर नाम है शिव, आत्मा पर नाम एक ही शिव बाबा का है, बस वह है परम आत्मा परमात्मा, उनका नाम है शिव। बाकी जो भी आत्माएं ढेर की ढेर हैं, उन सबके शरीरों के नाम पड़े हुए हैं। तीसरा पॉइंट, पवित्रता के सागर बाप कहते हैं, रावण ने काम चिता पर चढ़ाए बिल्कुल काला बना दिया है, अब फिर तुमको ज्ञान चिता पर चढ़ाता हूँ, आत्मा को ही पवित्र बनाना होता है। अब पतित पावन बाप आकर पावन बनने की युक्ति बताते हैं, पानी क्या युक्ति बताएंगे। चौथा पॉइंट, विश्व कल्याणकारी बाबा ने समझाया, जो अभी गफलत करते हैं फिर बहुत रोएंगे, सजाएं भी तो बहुत होती हैं ना, फिर पद भी भ्रष्ट हो जाता है, मुंह ऊंचा कर नहीं सकेंगे, इसलिए बाप कहते हैं, मीठे मीठे बच्चों पुरुषार्थ कर पास हो जाओ, जो कुछ भी सजा नहीं खाना पड़े तब पूजन लायक भी बनेंगे, सजा खाई तो फिर थोड़े ही पूजे जाएंगे। तुम बच्चों को पुरुषार्थ बहुत करना चाहिए, अपनी आत्मा की ज्योति जगानी है। पांचवा पॉइंट, बेहद के ड्रामा के डायरेक्टर मुख्य एक्टर बाबा कहते, ये बेहद की फिल्म है, बेहद का स्लाइड है, बेहद बाप के बने हैं तो कापारी खुशी होनी चाहिए, हम बाप से स्वर्ग का वर्षा जरूर लेंगे। बाप कहते हैं, पुरुषार्थ से जो चाहिए सो लो, पुरुषार्थ तुमको जरूर करना है, पुरुषार्थ से ही तुम ऊंच बन सकते हो, यह बाबा अर्थात बूढ़ा इतना ऊंच बन सकते हैं तो तुम क्यों नहीं बन सकते हो। छठा पॉइंट, अव्यक्त बाप दादा बोले, अंदर जो कमजोरियां कमियां निर्बलता कोमलता रही हुई है उन्हें समाप्त कर अब नया खाता शुरू करो, और नए संस्कारों के नए वस्त्र धारण कर सच्ची दीपावली मनाओ। सातवां पॉइंट, ऑलमाइटी बाबा की श्रीमत है, स्वमान की सीट पर सदा सेट रहना है तो दृढ़ संकल्प की बेल्ट अच्छी तरह से बांध लो। ओम शांति। अब सुनते हैं मुरली विस्तार सहित। मीठे बच्चे, तुम सच्चे सच्चे राज ऋषि हो, तुम्हारा कर्तव्य है तपस्या करना, तपस्या से ही पूजन लायक बनेंगे। प्रश्न, कौन सा पुरुषार्थ सदा काल के लिए पूजने लायक बना देता है? उत्तर, आत्मा की ज्योति जगाने व तमो प्रधान आत्मा को सतो प्रधान बनाने का पुरुषार्थ करो तो सदा काल के लिए पूजन लायक बन जाएंगे। जो अभी गफलत करते हैं वे बहुत रोते हैं, अगर पुरुषार्थ करके पास नहीं हुए, धर्मराज की सजाएं खाएं तो सजा खाने वाले पूजे नहीं जाएंगे, सजा खाने वाले का मुंह ऊंचा नहीं हो सकता। ओम शांति। रूहानी बच्चों प्रति रूहानी बाप समझा रहे हैं, पहले पहले तो बच्चों को समझाते हैं कि अपने को आत्मा निश्चय करो, पहले आत्मा है पीछे शरीर है,
जहाँ तहाँ प्रदर्शनी अथवा म्यूजियम में, क्लास में पहले पहले यह सावधानी देनी है कि अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो। बच्चे जब बैठते हैं सब देही अभिमानी होकर नहीं बैठते हैं, यहाँ बैठते भी कहाँ कहाँ ख्यालात जाते हैं। सत्संग में जब तक कोई साधु आदि आए तब तक क्या बैठ करते हैं, कोई ना कोई ख्यालात में बैठे रहते हैं, फिर साधु आया तो कथा आदि सुनने लगते हैं। बाप ने समझाया है ये सब भक्ति मार्ग में सुनना सुनाना है। बाप समझाते हैं ये सब है आर्टिफिशियल, इनमें है कुछ भी नहीं, दीपमाला भी आर्टिफिशियल मनाते हैं। बाप ने समझाया है ज्ञान का तीसरा नेत्र खुलना चाहिए तो घर घर में सोच रहा हो, अभी तो घर घर में अंधियारा ही है, ये सब बाहर का प्रकाश है। तुम अपनी ज्योति जगाने बिल्कुल शांत में बैठते हो। बच्चे जानते हैं स्वधर्म में रहने से पाप कट जाते हैं, जन्म जन्मांतर के पाप इस याद की यात्रा से ही कटते हैं। आत्मा की ज्योत बुझ गई है ना, शक्ति का पेट्रोल सारा खत्म हो गया है, वह फिर भर जाएगा क्योंकि आत्मा पवित्र बन जाती है। कितना रात दिन का फर्क है, अब लक्ष्मी की कितनी पूजा होती है। कई बच्चे लिखते हैं लक्ष्मी बड़ी या सरस्वती माँ बड़ी, लक्ष्मी तो एक होती है श्री नारायण की। अगर महालक्ष्मी को पूछते हैं तो उनको चार भुजा दिखाते हैं, उसमें दोनों आ जाते हैं। वास्तव में उसको लक्ष्मी नारायण की पूजा कहा जाए, चतुर्भुज है ना, दोनों इकट्ठे, परंतु मनुष्यों को कुछ भी समझ नहीं है। बेहद का बाप कहते हैं कि सभी बेसमझ बन पड़े हैं। लौकिक बाप कभी सारी दुनिया के बच्चों को कहेंगे क्या कि बेसमझ है? अभी तुम बच्चे जानते हो विश्व का बाप कौन है, खुद कहते हैं मैं सभी आत्माओं का बाप हूँ, तुम सब मेरे बच्चे हो। वो साधु लोग तो कह देंगे सब भगवान ही भगवान हैं। तुम जानते हो बेहद का बाप बेहद का ज्ञान समझा रहे हैं हम आत्माओं को। मनुष्यों को तो देह अभिमान रहता है, मैं फलाना हूँ, शरीर पर जो नाम पड़ा है उस पर चलते आए हैं। अब शिव बाबा तो है निराकार सुप्रीम सोल, उस आत्मा पर नाम है शिव। आत्मा पर नाम एक ही शिव बाबा का है, बस वह है परम आत्मा परमात्मा, उनका नाम है शिव। बाकी जो भी आत्माएं ढेर की ढेर हैं उन सब के शरीरों के नाम पड़े हैं। शिव बाबा यहाँ रहता नहीं है, वे तो परम धाम से आते हैं। शिव अवतरण भी है। अभी बाप ने तुमको समझाया है सभी आत्माएं यहाँ आती हैं पाठ बजाने, बाप का भी पाठ है। बाप तो बहुत बड़ा काम यहाँ करते हैं, अवतार मानते हैं तो उनकी तो हॉलिडे और स्टैंप आदि होनी चाहिए। सब देशों में हॉलिडे होनी चाहिए क्योंकि बाप तो सबका सदगति दाता है ना। उनका जन्मदिन और चले जाने का दिन, डेट आदि का भी पता नहीं पड़ सकता क्योंकि ये तो न्यारा है ना, इसलिए सिर्फ शिवरात्रि कह देते हैं। ये भी तुम बच्चे जानते हो आधा कल्प है बेहद का दिन, आधा कल्प है बेहद की रात। रात पूरी होकर फिर दिन होता है, उसके बीच में बाप आते हैं। ये तो एक्यूरेट टाइम है। मनुष्य जन्मते हैं तो म्यूनिसिपैलिटी में नोट करते हैं ना, फिर 6 दिन के बाद उसका नाम रखते हैं, उसको कहते हैं नामकरण। कोई छठी कहते, भाषाएं तो बहुत है ना, लक्ष्मी की पूजा करते हैं, आतिशबाजी जलाते हैं। तुम पूछ सकते हो जो लक्ष्मी का त्योहार आप मनाते हो ये कब तख्त पर बैठी? तख्त पर बैठने का ही कॉरोनेशन मनाते हैं, उनका जन्म नहीं मनाते। लक्ष्मी का चित्र थाली में रख उनसे धन मांगते हैं, बस
और कुछ नहीं, मंदिर में जाकर भल कुछ मांगेंगे, परंतु दीपमाला के दिन तो उनसे सिर्फ पैसा मांगेंगे। पैसा देती थोड़े ही है, ये जैसी जैसी भावना है। अगर कोई सच्ची भावना से पूजा करते तो अल्पकाल के लिए धन मिल सकता है, ये है ही अल्पकाल का सुख, कहाँ तो स्थाई सुख भी होगा ना। स्वर्ग का तो उन्हों को पता ही नहीं है, यहाँ स्वर्ग की भेंट में कोई खड़ा हो नहीं सकता। तुम जानते हो, आधा कल्प है ज्ञान, आधा कल्प है भक्ति, फिर होता है वैराग्य। समझाया जाता है ये पुरानी छी छी दुनिया है, इसलिए फिर नई दुनिया जरूर चाहिए। नई दुनिया वैकुंठ को कहते हैं, उसको हेवन पैराडाइज कहा जाता है। इस ड्रामा में पाठधारी भी अविनाशी हैं। तुम बच्चों को मालूम पड़ा है कि हम आत्मा पाठ कैसे बजाती हैं। बाबा ने समझाया है, किसको भी प्रदर्शनी आदि दिखाना है तो पहले पहले ये एम ऑब्जेक्ट समझानी है, सेकंड में जीवन मुक्ति कैसे मिलती है। जन्म मरण में तो जरूर आना ही है, तुम सीढ़ी पर बहुत अच्छी रीति समझा सकते हो। रावण राज्य में ही भक्ति शुरू होती है, सत्युग में भक्ति का नाम निशान नहीं होता। ज्ञान और भक्ति दोनों अलग अलग है ना। अभी तुमको इस पुरानी दुनिया से वैराग्य है, तुम जानते हो ये पुरानी दुनिया अब खत्म होनी है। बाप सदैव बच्चों के सुखदाई ही होते हैं, बच्चों के लिए ही बाप कितना माथा मारते हैं, बच्चे के लिए ही गुरुओं के पास जाते हैं, साधुओं के पास जाते हैं, कैसे भी करके बच्चा हो, क्योंकि समझते हैं बच्चा होगा तो उनको मिल्कियत देकर जाएंगे, बच्चा हो तो उनको हम वारिस बनाएं, तो बाप कभी बच्चों को दुख थोड़े ही देंगे, इम्पॉसिबल है। तुम मात पिता कहकर कितनी रड़ियां मारते रहते हैं, तो बच्चों का रूहानी बाप सबको सुख का ही रास्ता बताते हैं। सुख देने वाला एक ही बाप है, दुख हरता सुख करता एक रूहानी बाप है। ये विनाश भी सुख के लिए ही है, नहीं तो मुक्ति जीवन मुक्ति कैसे पाएंगे। परंतु ये भी कोई समझेंगे थोड़े ही, यहाँ तो ये हैं गरीब अबलाएं जो अपने को आत्मा निश्चय कर सकती। बाकी बड़े लोगों को देह का अभिमान इतना कड़ा पक्का हो गया है जो बात मत पूछो। बाबा बार बार समझाते हैं, तुम राज ऋषि हो, ऋषि हमेशा तपस्या करते हैं, वे तो ब्रह्म को तत्व को याद करते हैं, या कोई काली आदि को भी याद करते होंगे। बहुत सन्यासी भी हैं जो काली की पूजा करते हैं, माँ काली कह पुकारते हैं। बाप कहते हैं इस समय सब विकारी हैं, काम चिता पर बैठ सब काले हुए हैं, माँ बाप बच्चे सब काले हैं। ये बेहद की बात है, सत्युग में काले होते नहीं, सब हैं गोरे, फिर कभी सांवरे बनते हैं। ये तुम बच्चों को बाप ने समझाया है, थोड़ा थोड़ा पतित होते होते अंत में बिल्कुल ही काले हो जाते हैं। बाप कहते हैं रावण ने काम चिता पर चढ़ाए बिल्कुल काला बना दिया है, अब फिर तुमको ज्ञान चिता पर चढ़ाता हूँ। आत्मा को ही पवित्र बनाना होता है। अब पतित पावन बाप आकर पावन बनने की युक्ति बताते हैं, पानी क्या युक्ति बताएंगे। परंतु तुम किसको समझाओ तो कोटों में कोई ही समझकर ऊंच पद पाते हैं। अभी तुम बाप से अपना वर्षा लेने आए हो 21 जन्मों के लिए, तुम आगे चलकर बहुत साक्षात्कार करेंगे, तुमको अपनी पढ़ाई का सब पता पड़ेगा। जो अभी गफलत करते हैं फिर बहुत रोएंगे, सजाएं भी तो बहुत होती है ना, फिर पद भी भ्रष्ट हो जाता है, मुंह ऊंचा कर नहीं सकेंगे। इसलिए बाप कहते हैं मीठे मीठे बच्चों, पुरुषार्थ कर पास हो जाओ, जो कुछ भी सजा नहीं खानी पड़े,
तब पूजन लायक भी बनेंगे। सजा खाई तो फिर थोड़े ही पूजे जाएंगे। तुम बच्चों को पुरुषार्थ बहुत करना चाहिए, अपनी आत्मा की ज्योति जगानी है। अभी आत्मा तमो प्रधान बनी है, उनको ही सतो प्रधान बनाना है। आत्मा है ही बिंदी, एक सितारा है, उनका और कोई नाम रख नहीं सकते। बच्चों को समझाया है, उनका साक्षात्कार हुआ है। स्वामी विवेकानंद और रामकृष्ण परमहंस का बतलाते हैं, उसने देखा उनसे कुछ लाइट निकली, सो तो आत्मा ही निकलती है। उसने समझाया, वह मेरे में समा गई। अब आत्मा कोई आकर समा थोड़े ही सकती है, वह तो जाकर दूसरा शरीर लेती है। पिछाड़ी में तुम बहुत देखेंगे, नाम और रूप से न्यारी कोई चीज होती नहीं। आकाश पोलार है, उनका भी नाम है। अब ये तो बच्चे समझते हैं, कल्प कल्प स्थापना जो होती आई है वह होनी ही है। हम ब्राह्मण नंबर वार पुरुषार्थ करते रहते हैं, जो जो सेकंड गुजरता है उसको ड्रामा ही कहा जाता है। सारी दुनिया का चक्र फिरता रहता है, ये 5000 वर्ष का चक्र जूं मिसल फिरता रहता है, टिक टिक होती रहती है। अभी तुम मीठे मीठे बच्चों को सिर्फ बाप को ही याद करना है, चलते फिरते काम करते बाप को याद करने में ही कल्याण है। फिर माया चमाट लगा देगी, तुम हो ब्राह्मण, भ्रमरी मिसल कीड़े को आप समान ब्राह्मण बनाना है। वह भ्रमरी का तो एक दृष्टांत है, तुम हो सच्चे सच्चे ब्राह्मण, ब्राह्मणों को ही फिर देवता बनना है। इसलिए तुम्हारा ये है पुरुषोत्तम बनने के लिए संगम युग। यहाँ तुम आते ही हो पुरुषोत्तम बनने के लिए, पहले ब्राह्मण जरूर बनना पड़े। ब्राह्मणों की चोटी है ना, तुम ब्राह्मणों को समझा सकते हो। बोलो, तुम ब्राह्मणों का तो कुल है, ब्राह्मणों की राजधानी नहीं है। तुम्हारा ये कुल किसने स्थापन किया, तुम्हारा बड़ा कौन है? फिर तुम जब समझाएंगे तो बहुत खुश होंगे। ब्राह्मणों को मान देते हैं क्योंकि वे शास्त्र आदि सुनाते हैं। पहले राखी बांधने के लिए भी ब्राह्मण जाते थे, आजकल तो बच्चियां जाती हैं। तुमको तो राखी उनको बांधनी है जो पवित्रता की प्रतिज्ञा करें। प्रतिज्ञा जरूर करनी पड़े, भारत को फिर से पावन बनाने लिए हम ये प्रतिज्ञा करते हैं। तुम भी पावन बनो, औरों को भी पावन बनाओ। और किसकी ताकत नहीं जो ऐसे कह सके। तुम जानते हो, ये अंतिम जन्म पावन बनने से हम पावन दुनिया के मालिक बनते हैं। तुम्हारा धंधा ही ये है, ऐसे मनुष्य कोई होते ही नहीं। तुमको जाकर ये कसम उठवाना है। बाप कहते हैं, काम महाशत्रु है, इस पर विजय पानी है। इस पर जीत पाने से ही तुम जगत जीत बनेंगे। इन लक्ष्मी नारायण ने जरूर आगे जन्म में पुरुषार्थ किया है, तब तो ऐसा बने हैं ना। अभी तुम बता सकते हो किस कर्म से इनको ये पद मिला, इसमें मूंझने की तो कोई बात ही नहीं। तुमको कोई इस दीपमाला आदि की खुशी नहीं है, तुमको तो खुशी है हम बाप के बने हैं, उनसे वर्षा पाते हैं। भक्ति मार्ग में मनुष्य कितना खर्चा करते हैं, कितने नुकसान भी हो जाते हैं, आग लग जाती है, परंतु समझते नहीं। तुम जानते हो, अभी हम फिर से अपने नए घर जाने वाले हैं, चक्र फिर हूबहू रिपीट होगा ना। ये बेहद की फिल्म है, बेहद का स्लाइड है। बेहद बाप के बने हैं तो कापारी खुशी होनी चाहिए। हम बाप से स्वर्ग का वर्षा जरूर लेंगे। बाप कहते हैं, पुरुषार्थ से जो चाहिए सो लो। पुरुषार्थ तुमको जरूर करना है, पुरुषार्थ से ही तुम ऊंच बन सकते हो। ये बाबा अर्थात बूढ़ा इतना ऊंच बन सकते हैं, तो तुम क्यों नहीं बन सकते हो? अच्छा,
मीठे मीठे सिकिलते बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग, रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, पहली पॉइंट, जैसे बाप सदा बच्चों के प्रति सुखदाई है, ऐसे सुखदाई बनना है, सबको मुक्ति जीवन मुक्ति का रास्ता बताना है। दूसरा पॉइंट, देही अभिमानी बनने की तपस्या करनी है, इस पुरानी छीछी दुनिया से बेहद का वैरागी बनना है। वरदान, दिव्य गुणों के आह्वान द्वारा सर्व अवगुणों की आहुति देने वाले संतुष्ट आत्मा भव। स्पष्टीकरण, जैसे दीपावली पर विशेष सफाई और कमाई का ध्यान रखते हैं, ऐसे आप भी सब प्रकार की सफाई और कमाई का लक्ष्य रख संतुष्ट आत्मा बनो। संतुष्टता द्वारा ही सर्व दिव्य गुणों का आह्वान कर सकेंगे, फिर अवगुणों की आहुति स्वतः हो जाएगी। अंदर जो कमजोरियां, कमियां, निर्बलता, कोमलता रही हुई है, उन्हें समाप्त कर अब नया खाता शुरू करो और नए संस्कारों के नए वस्त्र धारण कर सच्ची दीपावली मनाओ। स्लोगन, स्वमान की सीट पर सदा सेट रहना है तो दृढ़ संकल्प की बेल्ट अच्छी तरह से बांध लो। ओम शांति।